जो देवी अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, गौरी के शरीर से जिनका प्राकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों राज्यों का लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं जगदम्बा तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, राक्षसों की लक्ष्मी नैत्रती, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है, दुर्गा दुर्गपारा दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है, जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं,
उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी हैं, सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करें और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुई ये सब देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए। उन्होंने परम मनोहर रूप को धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा। असुरेश्वर, पता लगाइए वो देवी कौन है, उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वो अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, ये परिजात का वृक्ष और ये उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान है जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपने यहाँ लाया गया है। ये मध्य महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजल किनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। शेष रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वो रथ अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति दा नामक शक्ति आपने छीन ली। वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित कर दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं,
इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वो दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं, संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो उच्च श्रवाह अश्वरत्न है उसे भी देवताओं ने मुझे दे दिया है। सुंदरी, उनके सिवा भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, तुम हमारे पास आओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महान पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मनी मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से प्रतिज्ञा कर रखी है, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा मेरे विमान को चूर्ण करेगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ या महादत्त निशुंभ स्वयं भी यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलम्ब की क्या ज़रूरत? दूत बोला, देवी तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्य के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से निशुंभ निशुंभ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लिए, इसलिए अब तुम जाओ और जो कुछ कहा है वो सब दैत्यराज से कह देना, फिर वो जो उचित जान पड़े वो करें। इस प्रकार से ये चरित्र माता के पंचम अध्याय का है, जो शती का पंचम अध्याय है। इसको हिंदी में कहा गया है, इसे पूजा के वक्त पढ़ने से मनुष्य को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, देवी की प्रीति प्राप्त होती है, इसलिए इसको सुने अपने मंदिर में पढ़ें या सुने, आप सुनने के लिए भी इसको लगा सकते हैं। इसको सुनकर देवी के सामने दीपक आदि जलाकर पुष्प आदि निवेदित करके माता को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें, उसके बाद इस पाठ को वहां पर लगा दें, इसको वहां पर चलाएं और सुने। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद देती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।